So hello everyone, once again welcome back to my channel Informatica. So basically I'll get new informative content ke saath kisi ek nayi ID topic pe main baat karunga aur tab tak main puchna chahta hu aap log kaise hain aur aapko hamari video ki content kaise lag rahi hai. Basically ek informative channel hai. So basically I expect to know that content up to the mark aapke aur mere मतलब आपकी नीड और मेरे जो कंटेंट डिलीवरी है वो सिंक्रोनाइज कर रही है कि नहीं, और अगर नहीं कर रही है तो कमेंट बॉक्स पर जरूर डाल के बताना कि आप लोग क्या नीड है, आप क्या जानना चाहते हो इस वीडियो के थ्रू, क्योंकि वीडियो पे अगर आप टाइम स्पेंड कर रहे हो तो एटलीस्ट कुछ आपको गेन होना चाहिए उससे, और अगर मज़ा आ रहा है वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिल रहा है तो उसके लिए थैंक यू भी जरूर मेंशन कर देना. मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग आईडी टॉपिक्स एंड ऑल. वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ कम्युनिटी इन आवर वेबसाइट. Soon we will be coming up with a website www.informaticahub.com. Over there we will be mentioning all about the community, different companies community. You can have a talk over there about the technologies package and many more things. So चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं. चलिए एक नई आईडी टॉपिक इस बार लेते हैं. चलो आज ले लेते हैं. रात के बज रहे हैं अराउंड कितने हो गए, यू कैन सी इट्स अराउंड मीन्स 12 इन द मिडनाइट. And we are starting a new topic, that is hikes in Cognizant or the salary, enhanced salary in Cognizant after 1, 2, and 3 years. Because many of you might be very much in the dilemma to know that क्या है भाई वो probation period की क्या बता रहे थे, post probation के बारे में क्या बता रहे थे. तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को. और फ्रेशर्स, अभी तक अगर वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों में जिनको भी ज़रूरत है इस वीडियो की. और चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग जो ऐसे एज अ फ्रेशर अगर जेंसी प्रोफाइल के लिए सेलेक्ट हुए हो अभी Cognizant में, तो आपको जो प्रोफाइल पे पैकेज ऑफर की गई होगी डैट इज़ अराउंड 4 to 4.5. दैट 4.5 इज़ अबाउ आफ्टर 1 year ऑफ कम्प्लीशन ऑफ योर प्रोबेशन पीरियड एंड 4 इज़ जस्ट बिफोर योर प्रोबेशन की पीरियड, मीन्स वेन यू गॉट योर फाइनल ज्वाइनिंग डेट. आफ्टर दैट इट विल बी 4. सो आप लोग की मन में इच्छा होगी जानने की कि 2 साल 3 साल 4 साल बाद क्या पैकेज होगी हमारी, बिकॉज एवरी फ्रेशर्स की मन में होती है. काफ़ी लोग काफ़ी इंटेलिजेंट और काफ़ी कूल होते हैं, वो लोग ज़्यादा नहीं सोचते. दे जस्ट केम हेयर टू लर्न द एंड गेन द एक्सपीरियंस. वो सोचते नहीं ज़्यादा सैलरी के बारे में, बट देर आर मैनी बिकॉज दे आर एट द एंड जॉब वही लोग, मतलब टॉकिंग टू द रियलिस्टिक जॉब वही लोग करते हैं जो लोग मतलब कि मिडिल क्लास से होते हैं और मतलब कि ड्रीम होती है कि कुछ बड़ा करना है लाइफ में, कुछ इस तरह का मतलब कि जॉब से जो पाया जा सकता है. क्योंकि मैं रिलेट करके अपने सेगमेंट के लोग से बात कर रहा हूँ. सो दे वांट कि हाँ यार अगर मैं यहाँ से स्टेट करूँ 2 साल 3 साल तो हमारी सैलरी कितनी होगी. तो मैं पहले बात करूँगा कि अगर आप देख दो 3 साल में सैलरी आपकी कितनी होगी, कब अच्छा समय है स्विच लेने का और कैसे आप अपनी सैलरी को बढ़ा सकते हो. तो सबसे पहले मैं बोलूँ ऐसा कॉमन पूल जब आप लोग एंट्री करोगे इन अ Cognizant फॉर फर्स्ट ईयर ऑफ स्टूडेंट, मतलब फर्स्ट ईयर ऑफ योर कॉर्पोरेट जर्नी, तो आपकी जो पैकेज ऑफर की है दैट इज़ अराउंड 4 LPA. तो आपको जो इन हैंड मिलेगा कटवट के डैट इज़ अराउंड 26,500. और कुछ प्रोजेक्ट अलाउंसेस मिल सकते हैं इफ यू आर इन सम प्रोजेक्ट्स. ओके, तो अगर आप प्रोजेक्ट लेके देख सकते हो अगर कुछ मिल रहा है प्रोजेक्ट अलाउंसेस तो 29-30 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. बट हाँ, बेस में बता दिया 26.5 से ऊपर सबको मिलेगी, ठीक है, और बाकी तो प्रोजेक्ट्स पे डिपेंड करेगी. और प्रोबेशन पीरियड की बात की जो जर्नी है डैट इज़ 4.5, तो उसमें आपको जो मिलेगी डैट इज़ अराउंड बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड 32,000 to 34,000. अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि सबको क्या 50,000 का हाइक मिल जाएगा 1 year के बाद, मीन्स 4.5 lakhs की पैकेज मिल जाएगी क्या. तो बेसिकली मेरे आंसर ये है कि एज़ पर योर प्रोजेक्ट्स, अगर आप बेंच पे नहीं हो किसी प्रोजेक्ट्स पे हो और इन कंसिडरेशन एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन, मैनेजर रेटिंग इज़ कूल, देन यू विल बी गिवन वॉट कंपनी हैज़ टोल्ड टू यू, दैट इज़ योर पैकेज विल बी इंक्रीज टू 4.5 आफ्टर 1 year ऑफ योर कम्प्लीशन इन Cognizant. सो आपकी जो इन हैंड आएगी 32,000 to 34,000 आएगी. अब आपकी सबसे बड़ी डाउट तो ये आती है फ्रेशर्स को, यार हम 4 साल बिताएंगे तो मुझे कितना मिलेगा, हम क्या करें कि मेरी सैलरी बढ़ जाएगी. क्योंकि आप लोग पहले ही बेसिकली इंजीनियरिंग में इतना पैसा डाल चुके होते हो कि मतलब कि आप यू वॉन्ट टू डू एक्सेल, मतलब
मतलब हर लोगों के मन में होती है कि हाउ हाउ टू बीट मीन्स कम आउट ऑफ द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, एकदम 100% होगा ही होगा, मतलब मैं श्योर हूँ कि आप लोग ऐसा फील करते होंगे। तो बेसिकली मैं बता दूँ कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी पे, क्या क्या चांसेस पे आप मतलब 10 लाख जो एक अपना नया पैरामीटर रखते हो कि 10 लाख तक मैं कब पहुँचूँगा, उसकी मैं जवाब देता हूँ। तो बेसिकली अगर आप कॉन्फिडेंट में 2 साल 3 साल 4 साल अगर रुक रहे हो तो अराउंड आपकी पैकेज 6 7 पहुंच जाने चाहिए मेरे हिसाब से। इफ़ यू आर इन अ प्रोजेक्ट नॉट इन द बेंच वर्किंग क्वाइट गुड एंड गेटिंग गुड रेटिंग फ्रॉम मैनेजर कंप्लीटिंग ऑल देयर टेस्ट एंड ट्रेनिंग प्रॉपरली इन अ प्रॉपर ड्यूरेशन ऑफ टाइम यू विल गेट दैट इज़ अराउंड 40 45,000 45,000 46,000 50,000 मैक्सिमम बता रहा हूँ 45,000 तक आप पहुँच जाओगे आफ्टर 2 ईयर में थर्ड टू फोर्थ ईयर में। बट हाँ इफ़ यू सस्टेन देयर मोर देन 5 ईयर्स और अराउंड 4 ईयर्स आपकी जो पैकेज है 50+ कर जाएगी, 50+ 60 भी हो जाएगी बहुत लोगों की। और जो मेन पैरामीटर है जिस पे ये सब चीज़ डिपेंड करेगी, आप किस टेक्नोलॉजी और किस प्रोजेक्ट पे डिपेंड कर रहे हो, किस टेक्नोलॉजी के लिए कंपनी कितना पे कर रही है राइट नाउ, किस टेक्नोलॉजी की मार्केट वैल्यू क्या है, आपकी प्रोजेक्ट कैसी है, आपके प्रोजेक्ट्स पे भी बहुत सारे चीज़ डिपेंड करेंगे, आपके मैनेजर आपको रेटिंग्स कैसा देते हैं, तो बहुत सारे पैरामीटर्स मिलाते हुए आपकी फाइनल आउटकम आएगी। बट हाँ बहुत लोगों की सवाल ये भी रहती है यार मैं 10 साल यहाँ बैठ जाऊँ तो क्या मिलेगा मेरे को। तो देखो चीज़ें ऐसी है ना, चीज़ जो है डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। ऐसा नहीं है कि आप बैठ जाओगे तो यू विल बी अ वीपी नेक्स्ट वीपी ऑफ योर टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ भी गारंटीड नहीं होता। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है कि आपको आप किस तरह से मूव ले रहे हो अपने कंपनी में, सारा पैरामीटर्स आपको किस तरह से लिफ्ट कर रहा है ऊपर के लिए। बहुत लोगों के लिए अच्छे भी हो सकते हैं या दे गोट अ गुड पोजिशन मीन्स अ लीडरशिप पोजिशन इन दैट कंपनी। बहुत लोगों के लिए यार घिसा पिटा बहुत घिस के 50-60 हज़ार पे ही अटके हुए हो, मतलब बहुत सारे सिनेरियोज आपको देखने को मिलेंगे। तो यार फ्रेशर्स में अगर ये सब सवाल आते हैं तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि यार ये सब के पीछे मत पड़ो, मत पढ़ो, जस्ट गो लर्न टेक्नोलॉजी दैट वी आर डूइंग एंड वी आर सीइंग आवर सीनियर हैड डन। किस किस लोगों को मतलब कि अपलिफ्ट मिला, जैसे कि मेरे भैया भी खुद 3 साल इन्फोसिस के बाद मतलब दे ही गॉट अ जॉब इन USA एंड आफ्टर दैट ग्रेजुअली द सैलरी इंक्रीज टू मच एंड नाउ ही इज लिविंग अ गुड स्टैंडर्ड लाइफ। सो इट्स टोटली डिपेंड कि आपको मूव कैसा कैसा मिल रहा है, जो आपके प्रोजेक्ट्स आपके टेक्नोलॉजी आपकी कंपनी और आपके क्लाइंट्स के कंसिड्रेशन मतलब होल कंसिड्रेशन के तौर पे मिलेगा। बाकी यार इतना चिंता मत करो 1 साल बाद क्या होगा 2 साल बाद क्या होगा, अब आ ही गए हो इस इंडस्ट्री में तो मतलब सीखो जितना हो सके सीखो, इट विल बी मोर गुड फॉर यू। कुछ और करो मतलब कि जो भी मन आए वो करो, बट हाँ अगर इस इंडस्ट्री में एंट्री कर रहे हो तो सीखो चीज़ों को, वही आपको अपलिफ्ट कर पाएगा। अगर आप स्विच करो मतलब उसी कंपनी में ग्रो करना चाहो, पैकेज डिमांड करो, सेम टेक्नोलॉजी पे अदर अदर कंपनी में ट्राई करो, तो ये सारे फैक्टर डिपेंड करेंगे आपको अपलिफ्ट करने में। तो दीज आर ऑल पैरामीटर यू शुड टेक केयर ऑफ। और कोई भी रीजन से हमारी वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, गलत लगा हो, कुछ भी लगा हो प्लीज़ कमेंट में करके बता देना। इट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू मी टू इम्प्रूव एंड डिलीवर अ ग्रेट कंटेंट फॉर यू ऑल, सो दैट अगर रात के मीन्स 12:20 में वीडियो बना रहा हूँ तो एक अच्छी कंटेंट डिलीवर हो पाए। होप सबको ये वीडियो जल्दी मिल जाएगी, मतलब स्केड्यूल पे आते ही रहेगी वीडियो। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड ग्रुप। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, क्या जानना चाहते हो कमेंट करके बताओ, दोस्तों में शेयर करो, और हाँ कुछ भी गलत लग रहा है वीडियो में बेझिझक कमेंट बॉक्स पर डाल दो। इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो कि भैया आपने ऐसा गलत क्यों बताया है, या फिर ये गलत है ये दिस इज, या फिर कमेंट पे डालो लोग भी जाने कि क्या सही चीज़ है। बिकॉज दिस इज चैनल वी जस्ट वॉन्ट टू डिलीवर द थिंग्स, मतलब कोई गलती ना हो, लोगों को सही चीज़ सही इन्फॉर्मेशन मिले, बस दैट्स इट। फिर से एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, मतलब जिससे मेरी मोटिवेशन अप रहेगी ऐसे ऐसे वीडियो और बनाने में, आप लोग से ही क्रंच लेके दूसरे को डिलीवर करना, मतलब एक सही कंटेंट नीडी को देना, दैट्स माई वर्क। एंड तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी एक नई इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और हाँ एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। वैसे वीडियो बहुत आएगी मतलब जो भी स्केड्यूल उसमें तो आएगी, पर तब भी एडवांस हैप्पी न्यू ईयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्लेसमेंट्स रिटर्न इंटरव्यूज एंड ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।